ओके okay. अब देखो कि स्टोडोलाज मेथड किस किस टाइप के सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और याद होना चाहिए कि स्टोडोलाज मेथड फिक्स्ड फ्री टाइप ऑफ सिस्टम्स पे एप्लीकेबल है। फिक्स्ड फ्री टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब है, ये देखो अभी आपके सामने स्क्रीन पे ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये आपके मिड टर्म में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था और इसको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है ताकि आप लोग आज ये मेथड सीखने के बाद अपने आप से इसको प्रैक्टिस कर सकें। फिक्स्ड फ्री सिस्टम को समझिए, यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर फ्री एंड है। एक दूसरा वाला सिस्टम देखिए, ये भी मिड टर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखो एक साइड पे फिक्स्ड है और दूसरे साइड पे फ्री है, तो ये हो गया फिक्स्ड फ्री सिस्टम। तीसरा सिस्टम देखो, एक साइड पे फिक्स्ड है, दूसरे साइड पे फ्री है। इस टाइप के सिस्टम को छोड़ करके और कोई भी दूसरे टाइप का सिस्टम होगा तो उस पर स्टोडोलाज मेथड नहीं लगा सकते, ये आपको याद रखना है। यू कैनॉट अप्लाई स्टोडोलाज मेथड ऑन एनी अदर सिस्टम अदर देन फिक्स्ड फ्री सिस्टम। अगर ये यहां से फ्री कर दिया जाए, दोनों तरफ से फ्री फ्री हो जाए तो स्टोडोलाज मेथड नहीं लगेगा, अगर दोनों तरफ से फिक्स कर दिया जाए तो स्टोडोलाज मेथड नहीं लगेगा। एक और दूसरा सिस्टम कॉमनली जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो एक कैंटिलीवर बेस्ड सिस्टम है। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये पूछे कि भाई एग्जाम में स्टोडोलाज मेथड से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो कुल मिलाकर के बस यही खत्म हो गए। एक इस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, ये देखो एक कैंटिलीवर बीम है, एक साइड पे फिक्स्ड है, दूसरे साइड पे फ्री है, इसके ऊपर दो मासेस लगा रखी है, ठीक है। तो स्टोडोलाज मेथड के बारे में अभी अपन ने दो चीजें सीख ली कि ये एक आइट्रेटिव मेथड है, यानी कि इसमें कुछ आइट्रेशंस करने पड़ेंगे, बार बार रिपीटेशंस करने पड़ेंगे और कुछ रिपीटेशंस के बाद में आंसर आ जाता है, और ये फिक्स्ड फ्री सिस्टम्स पे एप्लीकेबल है। और आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और खास करके मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ये देखो वापस से इसको दिखा रहा हूं, ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है क्योंकि इसमें 3 मासेस लगे हुए हैं। ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसकी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है क्योंकि इसमें भी 3 मासेस लगी हुई है, इसकी भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो कुल मिलाकर के अब अपन समराइज करें, स्टोडोलाज मेथड इज एन आइटरेटिव मेथड व्हिच गिव्स अ रफ एप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स विद वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री। यानी कि फिक्स्ड फ्री मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। सर इसमें मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, मतलब किससे सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स बना के, क्योंकि पहले तब हमने 2 डिग्री के लिए किया था, मैट्रिक्स नहीं बनाते थे हम लोग। नहीं, इसमें आपको मैट्रिक्स की जरूरत हर जगह पे नहीं पड़ेगी, ये एक अलग टाइप का मैकेनिज्म है। और खासकर आज मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जो कि टेबुलर फॉर्मेट है और करना बहुत आसान है, और वो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो आज के लेक्चर के बाद में आपको स्टोडोलाज मेथड सबसे ज्यादा आसान लगेगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, एक सैंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए बनाया है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को अपन पूरा हाथ से सॉल्व करेंगे और टेबुलर मेथड से सीखेंगे कि स्टोडोलाज मेथड कैसे लगता है, ठीक है। इसमें 3 मासेस हैं और इस फिगर को अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा स्प्रिंग्स में कॉम्प्लिकेशन एडिशनली क्रिएट किया गया है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये देखो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है, इसमें स्प्रिंग्स सिंपल एक एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक स्प्रिंग एक स्प्रिंग एक स्प्रिंग, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स लगी हुई है। तो सबसे पहले स्टोडोलाज मेथड में अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स वाला प्रॉब्लम आ जाए जिसमें एक साइड फिक्स्ड हो दूसरा साइड फ्री हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और इस बार के मिड टर्म एग्जाम में 90% स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, 90% ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह की स्प्रिंग कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना नहीं जानते, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बट एनीवे जो बात हो गई उस पर अपन ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ वापस से कि स्प्रिंग कॉम्बिनेशन को कैसे करना है। अब इसको मैंने वापस से यहां पर ड्रॉ कर रखा है, अब आप लोग इसको देखिए,
ये आपका सिस्टम है, एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास, बाकी की चीजें स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है। ये तो सिंगल स्प्रिंग है, तो इसको तो अपन को कुछ भी कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, इसमें ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में लगी हैं, 2K 2K आर इन पैरेलल, और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ में सीरीज में लगी हुई है ये सिंगल स्प्रिंग। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए पैरेलल कनेक्शंस में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स ऐड होती हैं, तो ये 2K और 2K मिलके नीचे वाले फिगर में देखो ये हो गया 4K। उसी तरीके से ऊपर वाले फिगर में यहां पर एक कॉम्बिनेशन था, ये सीधे सीधे पैरेलल में लगा हुआ है और कोई स्प्रिंग नहीं है, तो इसको तो सीधे ऐड कर दो, के प्लस 2K 3K हो गया यहां पर, ये देखो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन 3K बन गया, और इस कॉम्बिनेशन को अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है अपन ने, अपन ने इसको 2K प्लस 2K 4K करके यहां पे लिख दिया है बस। अब अपने पास ये सिस्टम आ गया, आपने एक सिंप्लीफिकेशन करके सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो दो स्प्रिंग्स हैं ये सीरीज में, और सीरीज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/K, जो कि फाइनल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ये होगा। तो अब इसमें K1 तो आपका K है और K2 जो है वो आपका 4K है, तो इवेंचुअली इस इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो दिस विल कम आउट एज 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K पहला स्प्रिंग प्लस 1/4K। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज कर रहा हूं, ये 1/K को मैं 4/4K भी लिख सकता हूं। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4/4K प्लस 1/4K इज इक्वल टू 5/4K, 4/5K आ जाएगा। तो 4/5K, तो अगर 1/K इक्विवेलेंट 5/4K है तो K इक्विवेलेंट कितना होगा? 4K/5, इसीलिए यहां पर मैंने डायरेक्टली 4K/5 लिखा हुआ है। ये है तरीका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स को फाइनली इक्वेट करने का, अगर पैरेलल और सीरीज कनेक्शन आ जाए तो। कई सारे लोगों ने इसको उल्टा कर रखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इनवर्स वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे अभी मैंने समझाया था, ठीक है। तो फाइनली अब आपने इस कॉम्बिनेशन को भी कन्वर्ट कर लिया 4K/5। तो अब अगर आप देखो तो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी आपकी ये वाली, और इस प्रॉब्लम को आपने सबसे पहले, अभी स्टोडोलस मेथड स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, अभी आपने सिंपली इसको कन्वर्ट कर लिया है इस सिंपल फॉर्मेट में, अब आपको इस पे स्टार्ट करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, नाउ वी आर स्टार्टिंग। अब जो मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा था स्टोडोलस टेबल वाली, तो अब ये टेबुलर मेथड चूंकि आपके किसी भी टेक्स्ट बुक में एज सच नहीं गिवन है, लेकिन है बहुत आसान, तो इसीलिए आपको एक चीज और याद रखनी है, जब एग्जामिनेशन में इसको अटेम्प्ट करें तो आप लोग ये स्टेटमेंट जरूर लिखें। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? यूजिंग टेबुलर मेथड, ये हाथ से लिखना है एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, क्योंकि होल्जर मेथड में एक टेबल यूज होती है, होल्जर मेथड अभी आपको सिखाया नहीं है, वो भी मैं एक लेक्चर में आगे सिखाऊंगा, तो कहीं ये टेबल देख करके एग्जाम में चेक करने वाला आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भाई आपने स्टोडोलस मेथड की जगह होल्जर मेथड कर दिया हो। तो इसीलिए यहां पर आपको ये स्टेटमेंट क्लियरली लिखना पड़ेगा, यूजिंग टेबुलर मेथड फॉर स्टोडोला। ये स्टेटमेंट आपको पक्का लिखना है, स्टोडोला मेथड के लिए टेबुलर मेथड यूज कर रहा हूं। ये लिखने के बाद में फिर ये टेबल बनाए ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कई बार क्लास में भी रिट्रेट कर रखा है, जो एग्जाम में कॉपीज चेक करते हैं वो अधिकतर
एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं आपके सब्जेक्ट के, उनके पास में सिर्फ एक सॉल्यूशन की कॉपी होती है, और सॉल्यूशन की कॉपी भी कहाँ से बनती है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को देख करके दूसरे टीचर को ही बना देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको अपना केस डिफेंड करना है। एनीवे, अब टेबुलर मेथड पे आते हैं, अपन कैसे करना है। आपको ये टेबुलर फॉर्मेट याद रखना है, ये देखो ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको एज इट इज याद रखना है, और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। इसको याद रखने की टेक्निक सिखाने से पहले मैं आपको स्टोडोलाज मेथड की जो कोर थ्योरी है वो समझा देता हूँ। स्टोडोलाज मेथड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? स्टोडोलाज मेथड इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर आपके पास में एक फिक्स्ड फ्री सिस्टम है तो आप सबसे पहले एक डिफ्लेक्शन अज्यूम करो। डिफ्लेक्शन अज्यूम करने का मतलब ये देखो, अज्यूम्ड डिफ्लेक्शन सबसे पहला स्टेप होता है कि एक डिफ्लेक्शन को अज्यूम करना है। अब डिफ्लेक्शन कौन करता है? मासेस को डिफ्लेक्शन दो। आप इसमें सबसे स्टैंडर्ड अजम्पशन यही होता है कि मान लो पहला मास एक यूनिट से डिस्प्लेस हो गया, दूसरा मास भी एक यूनिट से डिस्प्लेस हो गया, और तीसरा मास भी एक यूनिट से डिस्प्लेस हो गया। स्टोडोलाज मेथड हमेशा इधर से स्टार्ट होता है। तो कोई भी सिस्टम दे दिया जाए तो आप उनके सारे मासेस को सबसे पहले एक 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 यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो। अब इसमें फिजिक्स की लॉजिक क्या लगती है? ये बोलती है कि अगर आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्योंकि ये नेचुरली वाइब्रेट कर रहा है, फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये डिस्प्लेसमेंट किसी ना किसी इनर्शिया फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुई होगी। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है? एक डिफ्लेक्शन अज्यूम कर लिया, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इस डिफ्लेक्शन के कारण इन मासेस पर कितनी इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब इनर्शिया फोर्स क्या चीज है, हमेशा याद रखो, इनर्शिया फोर्स का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हमेशा फिक्स्ड है वाइब्रेशन में, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये है इनर्शिया फोर्स। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो इनर्शिया फोर्स हो गई एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, अगर किसी केस में वाई यूज कर रहे हो तो आपका इनर्शिया फोर्स हो जाएगा एम वाई ओमेगा स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स जो आप इवन बहुत पहले से भी फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, एम वाई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मास और ओमेगा स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट को आप किस नाम से पुकार रहे हो बस वो चीज चेंज रहेगी। अगर आप एक्स रख रहे हो तो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, वाई रख रहे हो डिस्प्लेसमेंट को तो एम वाई ओमेगा स्क्वायर, कुछ केसेस में अगर आर यूज कर रहे हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स का कॉन्सेप्ट यही है, आपको इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट करनी है हर मास के लिए। तो अगर आप एक सेकंड, तो स्टोडोलाज मेथड में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं सब में, स्टेप वन। तो सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो सर, अभी सर नेटवर्क की वजह। अच्छा अच्छा, अब वापस से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप वन ऑफ स्टोडोलाज मेथड, आप जितनी भी मासेस हैं आपकी उन सबको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे, और ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या किया है आपने, अज्यूम किया है, यू हैव अज्यूम्ड कि ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गई सिस्टम में अपने आप, ठीक है। अब उसके बाद आप तर्क करोगे कि अगर मेरी मासेस एक एक यूनिट से आगे सरकी हुई है अभी अपनी प्रेजेंट वाइब्रेटिंग कंडीशन में, तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में इन पे कोई इनर्शिया फोर्स भी लग रही होगी, और इनर्शिया फोर्स का कांस्टेंट फॉर्मूला है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, हमेशा दिस इज योर इनर्शिया फोर्स ऑलवेज। तो अब आपकी अगर ये डिस्प्लेसमेंट्स आपको पता है तो यानी कि तीनों मासेस की एक्स पता है आपको, ओमेगा अपन को पता करनी है ये अभी अननोन है, और मास जो है ये आपको तीनों के पता है, ये आपकी इनर्शिया फोर्स है। तो स्टेप टू क्या हो गया कि इनर्शिया फोर्स ऑन मासेस कैलकुलेट करो। वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं, स्टेप वन ऑफ स्टोडोलाज मेथड है यूनिट 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 डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी मासेस है उनको दे दो, अज्यूम कर लो। सेकेंड स्टेप है इन यूनिट डिस्प्लेसमेंट्स के कारण कितनी इनर्शिया फोर्स मासेस पे पड़ रही है वो इस फॉर्मूले से निकालो, और उसके बाद तीसरा स्टेप है उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि अगर मासेस पे फोर्स लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फोर्स स्प्रिंग पर भी ट्रांसमिट होगी। तो अब आपको अगर इनर्शिया फोर्सेस ऑन मासेस पता लग गई तो आप ये पता करो कि उन फोर्सेस के कारण स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लग रही है, और स्प्रिंग पे फोर्स लग रही है तो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा,
तो फिर आप कैलकुलेट करो कि स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कितना है, और एक बार स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन पता लग गया तो उससे फिर वापस से उल्टा मास का डिफ्लेक्शन पता लग जाएगा। तो अब ये पूरी सीरीज, ये जो पूरी कड़ी है, इसको वापस से कनेक्ट करके देखो, इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप वन, मासेस को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो। स्टेप टू, इन डिस्प्लेसमेंट्स के कारण मासेस पे कितना इनर्शिया फोर्स आया वो कैलकुलेट करो। अगर मासेस के ऊपर फोर्सेस पता लग गई, जो कि इनर्शिया फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि आप ही ने इनको इनर्शिया डिस्प्लेसमेंट देके इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस की है, ये इनर्शिया फोर्सेस होगी, ये थर्ड मास की फोर्स है, ये सेकेंड मास की फोर्स है और ये फर्स्ट मास की फोर्स है। तो अगर मासेस पे इनर्शिया फोर्सेस क्रिएट कर दिया आपने, तो इसका मतलब है कि इन डिस्प्लेसमेंट्स और फोर्सेस के कारण इन स्प्रिंग्स पर भी फोर्स आएगी, वो स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगर स्प्रिंग्स पे फोर्स आ गई तो फिर उन स्प्रिंग में कितना खिंचाव आया, स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो। फिर अगर स्प्रिंग में खिंचाव आ गया या डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसका मतलब है कि उन्हीं डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये मासेस एक्चुअली आगे पीछे गई होगी। तो अब इन स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन के बेसिस पे वापस से मासेस का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो। अब ये वापस से कैलकुलेट करने की बात क्यों आ रही है, क्योंकि आप ध्यान दें, आपने अज्यूम्ड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस सबसे पहले लिया था। ये देखिए, आपने 1 1 1 ये डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस आपने पहले अज्यूम किया था, फिर आपने इस पूरी कड़ी को ज्वाइन करते करते वापस से मासेस का एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकाला है, जो कि फाइनल क्वांटिटी के तौर पे यहां पर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको बार बार अपने मन में रिपीट नहीं करना है। अब आपको जो मैं टेक्निक बताऊंगा, ये सिर्फ ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करा, सिस्टम को तैयार कर लो। अगर वो किसी कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दे रखा है, तो पहले उसको सॉल्व करके फाइनल स्प्रिंग का सिस्टम ले आओ। अब एक बार सिंप्लीफाइड सिस्टम आ जाए, फिर फटाक से आपको क्या करना है, ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। टेबल कंस्ट्रक्ट करने में ये जो लेफ्ट साइड है, ये आपको रट के रखना है। अभी इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, अज्यूम डिफ्लेक्शन, इनर्शिया फोर्स ऑन मास, फोर्स ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मास। ये इसका जो सीरीज प्रोग्रेशन है, ये मैंने आपको समझा दिया कि किस वजह से आता है। अब आपको अगर इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप इसको एज इट इज रट लो, ये जो पार्ट है इसको एज इट इज रट लो और इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दो, ये टेबल ही रिपीट होनी है। अब इसके ऊपर का ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये बहुत ही आसान है। ये देखो, पहला कंपोनेंट क्या है आपके सिस्टम का, के, तो इसको एज इट इज लिख दो। दूसरा कंपोनेंट क्या है, एम, एज इट इज लिख दिया। तीसरा कंपोनेंट है 4k/5, एज इट इज लिख दिया। फोर्थ कंपोनेंट इज 2m, एज इट इज लिख दिया। 3k इज द नेक्स्ट कंपोनेंट एज इट इज, m इज द लास्ट कंपोनेंट एज इट इज। तो कुल मिला के क्या पता लगा, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो रटा हुआ है, इसको तो जैसे ही स्टोडोलास मेथड दिखे फटाक से इसको यहां पर बना दो। और ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट क्या करना है, आपका सिस्टम के जो कंपोनेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ये ध्यान रखें, आप इसको उल्टा नहीं लगा सकते कि भाई एम को पहले यहां लिख दिया फिर उसके बाद 3k को यहां लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फिक्स्ड एंड से स्टार्ट करना है, और फिक्स्ड एंड पे सबसे पहले आपको स्प्रिंग दिखेगा, तो स्प्रिंग पहले लिखा, फिर मास, जो जो एंट्रीज आपके सिस्टम में लगी हुई है वो एज इट इज यहां पर एंटर कर दो, बस आपकी टेबल तैयार हो गई। अब देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला अपन ने जैसे डिस्कस किया, यहां से स्टार्ट करो, एज्यूम्ड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, अब x की वैल्यूज आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है? एज्यूम्ड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, आपको क्या करना था, सबसे पहले सारे मासेस को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दी थी आपने, तो आप सिर्फ मास के अंडर में एंट्री करेंगे 1 1 1, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप दुनिया की कोई सी भी स्टोडोला की प्रॉब्लम टेबुलर मेथड से सॉल्व करोगे तो इन तीनों जगहों पे 1 1 1 ही आएगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है? सेकंड स्टेप, अगर आपने मासेस को 1 1 1 डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये बताओ कि मासेस के ऊपर इनर्शिया फोर्स कितनी है। फॉर्मूला आपको पता है, एम आई एक्स आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब है, क्योंकि ये एम वन है, ये एम टू है और ये एम थ्री है, तो इनकी आई जो है ये 1 2 3 है, दैट्स ऑल, ठीक है?
माइक्रोफोन है, इसको जरा बंद करें। ओके, अब इनर्शिया फोर्सेस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, जो मास है उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ओमेगा स्क्वायर से। ये ओमेगा स्क्वायर अपन को पता ही नहीं है क्या है, इसको सिर्फ ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। तो अब देखो, मास यहां पर एम है, डिस्प्लेसमेंट वन है और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एम इंटू वन इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर। इसकी इनर्शिया फोर्स बन गई, इस मास की इनर्शिया फोर्स बन गई। अब इस वाले मास की इनर्शिया फोर्स बनानी है, 2m मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो कितनी हो गई 2m ओमेगा स्क्वायर, इसकी इनर्शिया फोर्स बन गई। अब इस मास की इनर्शिया फोर्स बनानी है इस फॉर्मूले से, तो मास कितना है, m ही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 है और ओमेगा स्क्वायर, तो वापस से m इंटू वन इंटू ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया सिंपल तरीका इनर्शिया फोर्सेस बनाने का। स्टेप वन क्या था, इस वाली फर्स्ट एंट्री में मासस के अंडर 111 लिखना है और उसके बाद मासस की वैल्यूज को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है उसी के नीचे। तो ये आपकी तीसरी वाली जो रो है ये भी फिल हो गई टेबल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्स ऑन स्प्रिंग कितनी है। फोर्स ऑन स्प्रिंग निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको ये जो एंट्रीज इससे ऊपर वाली है इसको सीधे सीधे ट्रांसपोज कर देना है। अब ये देखो, m ओमेगा स्क्वायर की एंट्री को सीधे यहां पर लिख दिया, ये स्प्रिंग के अंडर में है कि भाई 3k वाली स्प्रिंग पे कितनी फोर्स होगी, उतनी ही फोर्स होगी जितनी 3k के आगे लगी हुई मास पर है। ये देखो, इस मास पर जो फोर्स लग रही है वही फोर्स स्प्रिंग को ट्रांसमिट होगी, इस मास की फोर्स इस स्प्रिंग पर ट्रांसमिट होगी। तो इसीलिए अगर इस मास की इनर्शिया फोर्स m ओमेगा स्क्वायर है तो उसके बगल में लगी हुई जो स्प्रिंग है 3k उस पे कितनी फोर्स जनरेट होगी, उतनी होगी जितनी इस मास पे जनरेट हुई है। तो इस m ओमेगा स्क्वायर को डायरेक्टली यहां लिख दो, ठीक है। अब आती है 4k by 5 वाली स्प्रिंग पे कितना फोर्स जनरेट होगा, 4k by 5 वाली स्प्रिंग पे उतना फोर्स जनरेट होगा जितना कि इस मास पर है और इस मास पर है, इन दोनों मासेस का टोटल इनर्शिया फोर्स इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एंट्री को तो आपने यहां लिख दिया, अब इस एंट्री को और इस एंट्री को एड करके यहां लिख दो। उसी तरीके से इस एंट्री को और इस एंट्री को ऐड करके यहां लिख दो, दिमाग ही नहीं लगाना है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग भी लग रहा हो तो आपको टेबुलर मेथड में क्या करना है मैं वापस से बता देता हूं, सिंपल है। शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन, फर्स्ट मासेस के अंडर में 111 एंट्री करें, सेकेंड रो में एम ओमेगा स्क्वायर का जो m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का जो फॉर्मूला है, या पहले अपन ने m x ओमेगा स्क्वायर लिखा था, उस फॉर्मूले को लगा करके ये इनर्शिया फोर्सेस बना लो मासेस के ही नीचे। अब जो स्प्रिंग्स के अंडर फोर्स की जो एंट्री है उसको कैसे करना है, यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करो क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है, ये देखो ये फिक्स्ड एंड है, यहां से नहीं स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट करो। m ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, m ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर करके यहां पे लिख दिया 3m ओमेगा स्क्वायर, अब 3m ओमेगा स्क्वायर और m ओमेगा स्क्वायर को ऐड करके यहां पे लिख दिया, सिंपल एंट्रीज खत्म, दिमाग नहीं लगाना है। ये वाली पूरी टेबल की एंट्री भी खत्म हो गई, यहां पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये फोर्स ऑन स्प्रिंग है तो यहां पर मास के अंडर की एंट्रीज कुछ नहीं रहेगी। उसी तरीके से इसके ऊपर वाली में इनर्शिया फोर्स ऑन मास है तो इसमें k के अंडर की एंट्रीज खाली रहेगी, ठीक है। अब अपन आगे चले टेबल पे, अब अपन आगे पूछ रहे हैं कि अगर आपकी स्प्रिंग्स के ऊपर ये और ये फोर्सेस लग रही हैं तो उन स्प्रिंग्स का डिफ्लेक्शन कितना हुआ होगा, वो कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी स्प्रिंग पे अगर मैं एक फोर्स लगाऊं तो उस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन मैं कैसे निकालता हूं, वो फोर्स जो इस स्प्रिंग पे लग रही है डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एज सिंपल एज दैट। तो वही काम आपको यहां करना है, ये देखो स्प्रिंग डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको सिंपली जो ऊपर आपने स्प्रिंग फोर्सेस लिखी हुई है उसको अपनी अपनी करेस्पॉन्डिंग के वैल्यूज से डिवाइड कर दें। ये देखो
फोर एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, ये आ गया। थ्री एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर के बाई फाइव, ये आ गया। एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री के, ये आ गया। तो स्प्रिंग डिफ्लेक्शन डायरेक्टली निकल गई, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना। अब कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस के लिए इधर से उल्टा चलो, इस एंट्री को डायरेक्टली यहां पे लिख दो, इस एंट्री को और इस एंट्री को ऐड करके यहां पे लिख दो, उसी तरीके से इस एंट्री को और इस एंट्री को ऐड करके यहां पे लिख दो, ये आपके स्टोडोला के टेबल ही कंप्लीट हो गए। समझ में आ गया? कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, इसका लॉजिक ये है कि भाई अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि इस मास में कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा, इस मास में उतना ही डिफ्लेक्शन हुआ होगा जितना स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है। अगर मैं ये पूछूं कि इस वाले मास में कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो इस वाले मास में उतना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा जितना इस स्प्रिंग का और इस स्प्रिंग का टोटल डिफ्लेक्शन है। और अगर मैं ये पूछूं कि इस मास में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा, तो इसका आंसर है स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में और इस स्प्रिंग में, तीनों में टोटल जो डिफ्लेक्शन है वो इस मास का डिफ्लेक्शन होगा। तो वही लॉजिक अपन यहां यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग डिफ्लेक्शन के बाद में एक्चुअल कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मास पे अगर आप आए, तो आपको क्या करना है, बिना दिमाग लगाए सीधे सीधे इस एंट्री को यहां कॉपी कर दो, इस एंट्री को और इस एंट्री को ऐड करके यहां कॉपी कर दो, इस एंट्री को और इस एंट्री को ऐड करके यहां कॉपी कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो ये टेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पैरेलल में समझा दिया है, कैसे इनर्शिया फोर्सेस और स्प्रिंग और मासेस की फोर्सेस सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन टेबल बनाते टाइम और न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको ये टेबल बनाने में मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो। देखो अब मैं बिना इसका लॉजिक समझाए इसकी प्रक्रिया वापस से समझा देता हूँ। कौन सा वाला? ये ना सर, फोर्स वाला जो भी बताया आपने, ये फोर्स ऑन स्प्रिंग वाला? हाँ। ये नहीं सर, ये नीचे वाला कैलकुलेट, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मास। यस, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मास के लिए आपको इसके जस्ट ऊपर वाली जो रो की जो एंट्रीज है ना, उसको इस तरह से कॉपी करना है। इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर दो, ये देखो 4 mm² / k सेम आ गया। अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है इसको बनाने के लिए दिस प्लस दिस 4 mm² / k प्लस 15 mm² / 4 k उससे बनाइए, और ये लास्ट एंट्री बनाने के लिए 31 mm² / k / 4 k प्लस mm² / 3 k इन दोनों को ऐड करो। समझ में आ गया? अब देखो इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बिना इसका लॉजिक समझाए कि टेबल को क्विकली कैसे कंपाइल करना है। सबसे पहली रो जो है उसमें मासेस के अंडर एंट्री करो 1 1 1, ये फिक्स है, ठीक है। सेकंड वाली रो में एम एक्स ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले को लगा करके इनर्शिया फोर्सेस कैलकुलेट करो, ये देखो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर एम 2m है, एक्स 1 है और ओमेगा स्क्वायर है, तो 2m इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2m ओमेगा स्क्वायर। वापस से उसी तरीके से m 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर। उसके नीचे वाली रो में यहां उल्टी एंट्री स्टार्ट करो, इस वाली को एज इट इज यहां कॉपी कर दिया, इस एंट्री को बनाने के लिए इन दोनों एंट्रीज को ऐड कर दिया, इस एंट्री को बनाने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया, ये देखो उल्टा चले अपन। इसको एज इट इज लिखा, इसको लिखने के लिए इन दोनों को ऐड किया, इसको लिखने के लिए इन दोनों को ऐड किया, बस खत्म। अब आगे की एंट्री, नेक्स्ट एंट्री के लिए स्प्रिंग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये जो है इसको अपनी करस्पॉन्डिंग कैसे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया और इसको इससे डिवाइड किया, बात ही खत्म। ये एंट्रीज डायरेक्टली मिल गई आपको। अब अगले रो की एंट्रीज करने के लिए, जैसा यहां पर आपने यहां से चले थे आप यों चले थे, अब उल्टा यों चलो, ऐसे चलो, बस सेम कहानी करनी है। इस चीज को एज इट इज यहां पर रिप्रोड्यूस कर दिया, इस एंट्री को बनाने के लिए इन दोनों एंट्रीज को ऐड किया, इस एंट्री को बनाने के लिए इन दोनों एंट्रीज को ऐड किया, बस ये लॉजिक है। अब लास्टली
जब आपकी टेबल यहां तक बन जाए, एक रेशियो वाली एंट्री और करनी होती है। रेशियो वाली एंट्री में क्या करना है, ये देखो लास्ट रो यहां पर आ गए आप एक्चुअल कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस पे, ठीक है, इसको अपन एक्स डैश बोल रहे हैं। अब इसका रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट एंट्री है इससे इन तीनों एंट्रीज को डिवाइड कर देना है। तो अगर 4m ओमेगा स्क्वायर बाय k को 4m ओमेगा स्क्वायर से ही डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा, और 31m ओमेगा स्क्वायर बाय 4 को अगर 4m ओमेगा स्क्वायर बाय k से डिवाइड करूं तो 1.94 आएगा, 97m ओमेगा स्क्वायर बाय 12k को फर्स्ट एंट्री से डिवाइड करूं तो 2.02 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, ये जो रो की एंट्रीज हैं इस पूरी एंट्री को इस फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, तो आपको फाइनल ये रेशियो की टेबल मिल जाएगी। दिस इज व्हाट यू गेट। अब इसमें करना क्या है, इस लास्ट एंट्री को इस फर्स्ट एंट्री से क्या आपको कंपेयर करना है। ये देखो ये दोनों कंपेयर क्यों होती है, ये आपने मास का एजम्पशन लिया था डिफ्लेक्शन का, और ये जो रेशियो है ये आपका कैलकुलेटेड है, यानी कि अज्यूम क्या किया था और एक्चुअल कैलकुलेशन से क्या आ रहा है, ये दोनों चीजें आपस में कंपेयर होगी। अब ये देखो फर्स्ट मास का 1 है, यहां भी 1 है, ये तो ठीक है, सेकंड मास का 1 है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 1.94 आ रही है तो ये मैच नहीं कर रही, थर्ड वाली मास का 1 है और यहां पर 2.02 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये और ये रो मैच नहीं हो रही तो आपको नेक्स्ट आइटरेशन पे जाना है। अब नेक्स्ट आइटरेशन पे कैसे करेंगे अपन, ये जो पार्ट है ये एज इट इज रिप्रोड्यूस करो, ये जो पार्ट है ये एज इट इज रिप्रोड्यूस करो। ये देखो अब ये नेक्स्ट टेबल बन गई आपकी, नेक्स्ट टेबल में लेफ्ट साइड की एंट्रीज अब आप शॉर्ट में ऐसे लिख लो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, आपको वो पूरी लंबी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल बना दो। ये अज्यूम्ड डिफ्लेक्शन है, ये इनर्शिया फोर्स है, ये फोर्स ऑन स्प्रिंग है, ये डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग है, और ये कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस है। तो इसको एज इट इज एंट्री वापस से टेबल बनाएंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्री है ये भी एज इट इज ऊपर से कॉपी हो जाएगी। अब इसमें चेंज क्या आएगा, इसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग एंट्री है यहां पर, अब ये 111 नहीं रहेगी, ये कहां से आएगी, ये आपकी प्रीवियस टेबल की ये जो लास्ट रेशियो की एंट्री है उसको आप इंपोर्ट करोगे। ये देखो ये आपकी फर्स्ट टेबल की रेशियोज की एंट्री थी 1.94 2.02, इसको आप इंपोर्ट करोगे नेक्स्ट टेबल में 1.94 2.02। अब इसको लेकर के वही सेम प्रोसीजर जो आपने फर्स्ट टेबल में किया था उसको रिपीट करेंगे। ये देखो अब आपको नेक्स्ट आपको m x ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो इस लाइन में क्या किया आपने, m तो m है, 2.02 क्या चीज है आपकी x है, और ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, तो m इंटू 2.02 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई। उसी तरीके से इस वाली में ये एंट्री 3.88 कैसे आया, 2m तो m है, 1.94 x है, और ओमेगा स्क्वायर है, तो 2m इंटू 1.94 इंटू ओमेगा स्क्वायर आपकी 3.88 m ओमेगा स्क्वायर आ गई। उसी तरीके से ये आपकी इनर्शिया फोर्स यहां पर बन गई। अब वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इस एंट्री को यहां लिखा, इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखा, इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखा, फिर नेक्स्ट क्या किया, इस एंट्री को इसके से डिवाइड किया, ये मिल गया, इस एंट्री को इसके से डिवाइड किया तो ये मिल गया, इस एंट्री को इसके से डिवाइड किया तो ये मिल गया। नेक्स्ट क्या किया, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन के लिए इसको एज इट इज यहां लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया, ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। और फाइनली वापस से रेशियो बनाया, ये लास्ट टेबल की जो एंट्री है इसमें इस फर्स्ट एंट्री से इस पूरी लाइन को डिवाइड करो, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 2.07 और 2.17। अब क्या करना है, वापस से इसको कंपेयर करो, वही सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट टेबल में किया था सेकंड टेबल में स्टार्ट करके एज इट इज रिपीट करना है बिना ज्यादा दिमाग लगाए। अब इसको कंपेयर करो, ये देखो 1 और 1 ये तो हमेशा सेम रहेंगे, 1.94
2.07, थोड़ा सा फर्क है, 2.02, 2.17, तो अभी भी फर्क है। इस आइट्रेशन को आपको जनरली कब तक चालू करना है, जब तक कम से कम आपका ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो मैच ना हो जाए। सर ये मार्चेस की वैल्यू टाइम नहीं आ जाए तब करना है ना ये? हाँ, क्या बोल रहे हो? ये मार्चेस की वैल्यू है, जैसे एम है, पहला एम है, फिर दूसरा एम है, तो ये दूसरा मार्चेस दूसरे एम के इक्वल नहीं आ जाए तब तक करना है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो एंट्रीज है ये देखो, ये वन और ये वन डिटो सेम आ गई, 1.94 और 2.07 अभी भी फर्क है, 2.02, 2.17 अभी भी फर्क है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट टेबल पे ले जाऊंगा और नेक्स्ट टेबल की स्टार्टिंग एंट्री जो होगी वो ये होगी। सर ऐसे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आप एक बार हाथ से करके देखो, इसी क्वेश्चन को एक बार हाथ से करके देखो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और चूंकि आइटरेटिव मेथड है तो इतना तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। आप ये देखो, इस एंट्री को वापस से मैंने स्टार्ट किया, ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया, और अब की बार की एंट्रीज देखो क्या आई है, 1 1, 2.07, 2.08 बिल्कुल नजदीक आ गए, 2.17, 2.18 बिल्कुल पास पास आ गए आपके। तो अब आप आइट्रेशन स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये मेथड अभी किसको समझ में नहीं आया, इसमें जो प्रोसीजर है, You could start your microphone and tell me. प्रॉपर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा समझ नहीं आया क्या चल रहा है, बाकी तो आगे। आपने क्या लेट ऐड किया था क्या आपने? हाँ सर, पता नहीं था सर। आप सर ये सर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे शेयर कर देना ना सर अपने। नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको मैं अपने ड्राइव के थ्रू आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक सर, हाँ सर, थैंक यू सर, ये कर देना सर। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें रेशियो निकालने के लिए डिवाइड क्यों किया है अपन ने? क्योंकि आप ये एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। ये आप हमेशा हर स्टेप में नॉर्मलाइज ही कर रहे हो। देखो स्टेज वन जो था वहां पर भी आपने नॉर्मल डिफ्लेक्शन ली थी, यूनिट डिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया था, तो इसीलिए अपन इसको हमेशा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपेरिजन कर पाए। अगर आपने यहाँ पे यूनिट नहीं ली होती तो कंपैरिजन के लिए आप रेशियो नहीं लेते, और ये सिंप्लिसिटी के लिए ही किया है अपन ने। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसका डिफ्लेक्शन को 1 1 1 ही लें। अगर किसी की इच्छा हो रही है तो वो 2 2 2 भी ले सकता है, लेकिन फिर उसकी जो प्रोसीजर है वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कतई ना करें, जो प्रोसीजर आपको डिलिनेटेड है वैसा ही फॉलो करें, क्योंकि उससे आपके आंसर मैच होने की संभावना बेटर रहेगी। This is just a normalization phase. ये ratio लेने से आप इस first row से इसको compare कर पाएंगे। अगर ये ratio नहीं लिया तो first row से comparison नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये ratio लेना है। Okay sir. ठीक है? तो finally ये आपका conclude कब होता है? जब आपकी first row की entry almost pass आ जाए, तब आप इसके iteration को stop कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद finally आपने टेबल बनाई है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव देखो अभी भी यही है, यूज स्टोडोलास मेथड। विकास माइक्रोफोन बंद कर अपना। ये देखो, यूज स्टोडोलास मेथड टू डिटरमिन द फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। आपका ऑब्जेक्टिव ओमेगा निकालना है, आपको टेबल मैच करा के दिखा के खत्म नहीं कर देना है काम। तो अब आपको अगर ये एंट्री आ गई तो फाइनली ओमेगा कैसे निकलेगी? फाइनली ओमेगा निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत ही सिंपल है। ये जो लास्ट रेशियो वाली एंट्री के जस्ट ऊपर वाली जो एंट्री है वो एक्स वन जो है आपका फर्स्ट मास का जो फाइनल डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको इक्वल टू वन रख दो। इसको रखने का लॉजिक क्या है? इसको रखने का लॉजिक ये है कि आप ये कह रहे हो कि मेरे फर्स्ट मास की अज्यूम्ड डिफ्लेक्शन 1 थी और मेरे फर्स्ट मास की कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन 7.3 एम ओमेगा स्क्वायर बाय के थी, लेकिन चूंकि अभी मेरा आइट्रेशन कन्वर्ज हो गया है, यानी कि अज्यूम्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब है मैं 1 को 7.31 एम ओमेगा स्क्वायर बाय के बराबर रख सकता हूं। ये लॉजिक यूज करते हुए अब आपको क्या करना है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको टेबुलर मेथड में एंड में जब ये कन्वर्ज हो जाए, ये देखो जब ये मैचिंग आ जाए आपकी वैल्यूज 1 1
2.07, 2.08, 2.17, 2.18. तो ऑलमोस्ट मैच हो गई है। अब आपको सिंपली बिना ज्यादा दिमाग लगाए एक ही काम करना है, ये जो एंट्री है यानी कि फर्स्ट मास की जो एंट्री है उस एंट्री को सिंपली इक्वल टू वन रख दो बस, और कुछ नहीं करना। अब आपको दो डेसिमल तक ही करना है क्या? दूसरे डेसिमल जैसे दो डेसिमल, हाँ मतलब ये मैच मतलब दो डेसिमल तक मैच होनी चाहिए या एक डेसिमल तक? फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक कर दो, सेकंड डेसिमल प्लेस तक मैचिंग कराने जाओगे तो ये टेबल हो सकता है दो बार और रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये देखो मैंने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो मैच करा दिया ना, 2.0, 2.0, 2.1, 2.1 यहां तक मैच हो गया, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। सेकंड डेसिमल प्लेस तक आप मत एम करो, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। इतना सफिशियंट है, इतनी अप्रोक्सीमेशन सफिशियंट है। अब देखो इस चीज को आप हमेशा हमेशा आपको फर्स्ट मास वाले की ये जो लास्ट एंट्री है इस एंट्री को वन के बराबर रखना है, ये प्रोसीजर रट लेना है आपको। अब आपको प्रॉब्लम में एम की वैल्यू दे रखी है, प्रॉब्लम में के की वैल्यू दे रखी है, तो एम पता है, के पता है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो आप। ओमेगा स्क्वायर निकाल करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना तो फाइनली आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका टेबुलर मेथड। अब इस टेबुलर मेथड को आप लोग प्रैक्टिस कर पाए इसीलिए मैंने ये फाइल और बना ली है। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इन सब पे वही सेम प्रॉब्लम का जो टेबुलर मेथड है वही लगेगा और इनके आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं। तो आप लोग एक बार स्टोडोला मेथड प्रैक्टिस करके इन आंसर्स को चेक जरूर कर लें, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी सेंड कर दे रहा, ये सब सेंड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक और शेड्यूल किया था इसके आगे का पार्ट। जो टेक्स्ट बुक्स में जो मेथड दे रखा है वो भी आपको समझाने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया था, लेकिन अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये अगर मेथड में लेके चलूं तो शायद ये अभी अपनी क्लास हो नहीं पाएगी। सर तो ये वाला सही लगा सर, ये थोड़ा सा अजीब सा है, मैंने चेक करा था पर सर ये समझ में नहीं आया, आप वाला मेथड सही लग रहा है सर अभी वाला। नहीं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा वाला टेबुलर मेथड अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम पे यूज करो, ये देखो इस टाइप की प्रॉब्लम पे अगर आप यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा, या फिर आप काम तो करेगा लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका बिल्कुल मतलब ब्रेन हॉट हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए बेटर यही है कि जो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट वाला मेथड है वो यूज करो, और ये भी एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके सर थैंक यू। ठीक है, अब टेबुलर मेथड तो आपको समझ में आ गई? यस सर, यस सर, हां सर, यस सर। ठीक है, तो अपन आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, ज्यादा अपन ओवरलोड नहीं करते। अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टोडोलाज मेथड ही समझाऊंगा, लेकिन आपको इस टाइप की प्रॉब्लम भी समझाऊंगा कि भाई अगर आपके आरटीयू में ये आ गई तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमनली आरटीयू में पूछी जाती है स्टोडोलाज मेथड में। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्स्ट बुक मेथड है इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मेथड, ये वाला अपन को यूज करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये सीख लेंगे और उसके बाद अपन को टाइम मिला तो कोई और टॉपिक साथ में कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अब एक सेकंड मेरे को स्टूडेंट्स देख लेने दो यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल आर देयर? 26। कोई अभी चला तो नहीं गया? अटेंडेंस देनी है मेरे को। अखिल सर मैं तो नहीं गया सर, यश चला गया था अभी, एक और भाई कृष्णा भाई।